I would like to congratulate all the Engineering Services 2022 rankers, GATE 2023 rankers. On this day, I don't want to speak too much. The time is very less, the list is very long. But few words I would like to share, which I feel are essential. And I just want टू ड्रा दी अटेंशन ऑफ दल दी इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड द गेट रैंकर्स हियर प्लीज आप लोग एक ऐसी जिम्मेदारी को संभालने जा रहे हैं जो देश के एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा देगा आप ग्रुप ए में इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के थ्रू बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स में जा रहे हैं यू विल बी हैविंग दी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू विल हैव टू गेव योर कमिटमेंट कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ जीवन में जो बहुत जरूरी है आप लोग कुछ जानते होंगे कि आई हैव स्पॉन्सर्ड ऑन माई पर्सनल कैपेसिटी जिनके पेरेंट्स नहीं है यह सभी रैंकर्स को मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुनिए अगर आपकी फ्रेंड सर्किल में आपके जान पहचान में कोई ऐसा बच्चा है जिसके पेरेंट्स नहीं हैं और वो इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट या सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहता है आई हैव टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पॉन्सर हंड्रेड परसेंट एंड टीच दैट चाइल्ड विथ हंड्रेड परसेंट स्पॉन्सरशिप दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ यू विल बी जॉइनिंग योर जॉब आप अच्छी अच्छी पोजीशंस पर पहुँचेंगे आपसे लोग सजेशन लेने आएंगे कई बार आपसे गाइडेंस लेने आएंगे और आपसे पूछेंगे भी कि हम कहाँ जाएं कैसे पढ़ें और उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते मेरी गुजारिश है कि हम मिल कर के इस काम को निभाएं आप उनके मार्गदर्शक बने उनको इंस्पायर करें और हम लोग उनको आगे गाइड करने का पढ़ाने का काम करेंगे तो आप ऐसे बच्चों को जो बहुत इकोनॉमिकली वीक हैं उनको आप हम लोगों तक भेजिए वी विल गिव द बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट एंड दी दसरशिप फॉर दो चिल्ड्रं तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ गेट इज द गेट वे फॉर इंजीनियर्स विच ओपन्स द डोर्स फॉर द पब्लिक सेक्टर्स आई आई एस सी आई आई टीज एन आई टीज फॉरन इंस्टीट्यूशंस engineering services was your dream but this is not the full stop civil services should be your final destination you will find when the final result is declared upsc civil services result is declared nearly there are 60% engineers and you are one of the most probable candidate and for that reason you should not stop here

कि आपको घर नहीं जाना है आपको आई बनना है आई बनना है आई बनना है इस देश की दिशा और दशा दोनों आपके हाथ में है आपको बदलना है हम ये सब जानते हैं कि हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं या जब तक सक्सेसफुल नहीं होते तो हमें लोग वैल्यू नहीं करते लेकिन एक बार सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर उसकी वैल्यू होती है ठुकराया था कभी जिन्होंने तुमको ठुकराया था कभी जिन्होंने तुमको तुम्हारा वक्त देखकर तुम ऐसा वक्त लाओ उनको मिलना पड़े तुमसे तुम्हारा वक्त लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में एक सफलता हासिल करके सेटिस्फाई हो जाते हैं खुश हो जाते हैं लेकिन ऐसे कम होते हैं जो हर वक्त नई सफलता के लिए प्रयास करते हैं तो आपको कुछ नया करना है जो पग चलते चिन्हों पर जो पग चलते चिन्हों पर वो पग वो पग नए चिन्ह बनाते हैं और जो पग चलते चिन्हों पर वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजे जाते हैं इसलिए दोस्तों याद रखिए आपको नए चिन्ह बनाना नए पग बनाना है और नए पग बनाने के नए चिन्ह बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सो आई स्पॉन्सर टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो इन नेक्स्ट आई एस एंड दी स्पॉन्सरशिप सुपर अचीवर्स पॉलिसी हैज बीन ये मेड इजी और नेक्स्ट आई एस आपका घर है जीवन में जब आपको कभी लगे कि नेक्स्ट आई एस से या मेड इजी से आपको कुछ चाहिए यू शुड नॉट हैजिटेट आई स्पीक इट वेरी हार्टली कि दिस इंस्टीट्यूट इज योर होम एंड विल रिमेन योर होम लाइफ लॉन्ग बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट थे जहां पर आप रिजल्ट देखेंगे लेकिन आप मेरे कोई एक बता दे कि एक भी रिजल्ट मेडीजी की वेबसाइट पर या मेडीजी के इश्तेहार में ऐसा है जो आपका नहीं है जो आप मेडी में नहीं थे और रिजल्ट छप गया या जो कोर्स आपका मेंशन है उस कोर्स में नहीं थे ये ऑनेस्टी बहुत मुश्किल से मिलती है ये एफर्ट से मिलती है नेक्स्ट आई ये सर मेरी जी इज दैट इंस्टीट्यूट विद बिलीव ऑन दथिकल था बिली ट्रूथ तो आप लोगों ने जो ये जर्नी यहाँ से तय की है ये एक डेस्टिनेशन नहीं है ये एक मिड लैंडिंग है इस मिड लैंडिंग के बाद अब आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना है आपके अलावा आपके पेरेंट्स यहां पर आए हैं इस बात की हम लोगों को खुशी है कि आपके पेरेंट्स आपके साथ आए और उन सभी का बहुत बहुत स्वागत और सम्मान बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स आपके लिए अब मैं सभी गेस्ट से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने हमारे रैंकर्स हैं कृपया खड़े होकर एक बार ऐसी तालियां बजा दें हमारे रैंकर्स के लिए जिन्होंने बहुत मेहनत की है ये वही बच्चे हैं जो छोटे छोटे कमरों में गलियों में रह करके दिन रात पढ़ाई करके दो दो साल तीन तीन साल का समय बिता करके यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में सेलेक्ट होकर के यहां तक पहुंचे हैं ये आसान नहीं है इनमें से बहुत सारे गांवों से आते हैं गरीबी पृष्ठभूमि से आते हैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं और लेकिन यहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं खुद एग्रीकल्चर फार्मिंग बैकग्राउंड से आता हूं और मुझे एहसास है कि किन परिस्थितियों में माता पिता अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितने मेहनत करते हैं इसलिए हमेशा उसका मुझे एहसास होता है एक समय था जब मैं पोस्टर चिपकाया करता था ये आप लोगों को आसान लगता होगा 1998 में बीटेक करने के बाद मैंने जिया सराय में पोस्टर चिपकाए अपने ट्यूशन पढ़ाने के लिए बच्चों को बुलाने के लिए और एक बार मैं पोस्टर चिपका रहा था तो एक पेरेंट एक किसी ने पूछा एक हजार पोस्टर लगाने के कितने पैसे लेते हो शायद उनको लगा था कि मैं स्ट्रीट बॉय हूँ लेकिन काम मेरा था और उस मुकाम के लिए था जिसके लिए मुझे वो मेहनत करनी थी इसलिए कोई काम छोटा नहीं होता अगर आप फाइनेंशियली इकोनॉमिकली सक्षम नहीं है तो तरीके निकालिए कोशिश करो और उस मुकाम तक पहुंचने के लिए अपना हौसला बनाए रखो थोड़ा डूबूंगा थोड़ा डूबूंगा मगर तैराऊंगा तू देखता जब मैं जीत जाऊंगा तो ये जज्बा आपको रखना है और यह छोड़ना नहीं है लास्ट में मैं एक बात और कहूंगा कि सफलता तो बहुत आएंगी अभी हर पल सफलता आएगी आपके जीवन में और जीवन में सफल होने के लिए आपको हर पल प्रयास करना होगा और उस सफलता को अपने मन में उतारना होगा कि ये मेरा अगली सफलता का माध्यम है या इंस्पिरेशन है तो चढ़े हिमालय की चोटी पर चढ़े हिमालय की चोटी पर आगे और चढ़ना है फिर हमें उसी हिमालय पर एक नया हिमालय गढ़ना है तो इसलिए हाइट्स तो आएंगी अभी अभी आपको ऊंचाई तक जाना है जिस तरह से एक दीपक को जला करके हम उसी दीपक को दूसरे दीपक के जलाने के लिए उपयोग करते हैं मुझे लगता है शिक्षा इसी का नाम है आप पढ़ गए हैं आप सक्षम बन गए हैं अब आप सोसाइटी में परिवार में अपने गांव में दूसरे लोगों को रास्ता दिखाइए तो जिस तरह से एक दीपक दूसरे दीपक को जलाने का काम करता है वैसे ही आपको करना है यही शिक्षा है शिक्षा अगर किसी समाज में बहुत अच्छी होगी क्वालिटी अच्छी होगी गुणवत्ता अच्छी होगी तो हमारे समाज का फ्रिजन बहुत अच्छा होगा आज इस मंच से मैं आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं एंड फॉर योर होल लाइफ आई विश यू अचीव मैनी मोर हाइट्स बी सक्सेसफुल मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू यू मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू योर पेरेंट्स एंड आई विल नेवर फॉर गेट टू एक्

जितने भी हमारे एम्प्लॉज हैं हाउस कीपर ऑफिस बॉयज गार्ड्स अकैडमिक स्टाफ मैनेजमेंट स्टाफ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बिकॉज ऑफ योर कमिटमेंट एंड दंटिन्यूस एफर्ट्स इन लास्ट टू डिकेट्स दिस इंस्टीट्यूट हैज रीच्ड एट दिस लेवल एंड नाउ आई विल थैंक टू ऑल दी सीनियर डिग्नेटरीज हु हैव कामर And they have found the time from their busy schedule and they have blessed not only to the institutes and the students but to us also. I feel blessed that all the great dignitaries, Bassi sir, Rangandatta sir, Pabian sir, then Padhyaji, Prempal Sarmaji, and all they are guiding not only to the students but to us also. So this is the learning phase, we always keep on learning. So, thank you very much and wish you all the best. This is your home. Please don't forget this. All the students, this is your home. Thank you very much.